दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत बड़े बड़े जीवों जैसे कि एनाकोंडा आदि को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फीट का है और अब ये कहाँ पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंच छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है, और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब इतने बड़े जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी का हर्ट कहे जाने वाले विशालकाय जंगल अमेजन जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेजन फॉरेस्ट, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेजन जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे पूरा जान और समझ नहीं पाए हैं। वे नहीं जानते कि ये जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समाये हुए है। अमेजन जंगल में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से वैज्ञानिक गहन रिसर्च करते आ रहे हैं, और हर बार रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी हैरानी भरी होती हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें अमेजन जंगल की बाहरी दुनिया में देख पाना असंभव है। अमेजन जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है, और उस दुनिया तक हमारी पहुँच अभी बहुत कम या ना के बराबर है। इस जंगल के बारे में जब भी कोई नई खोज होती है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हम इस जंगल के बारे में जानते ही क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमय बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक और रहस्यमय होगा ये जंगल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमय पेड़ों के बारे में। वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है, इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक ही होंगे। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं, और ये हम नहीं बल्कि अमेजन जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेजन जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड की किसी साईफाई मूवी जैसे नहीं चलते, बल्कि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं, और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया एक या दो दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं, और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेजन जंगल में ही पाए जाते हैं। अब हम अमेजन जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। लेकिन अमेजन जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अमेजन जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर और कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती हैं। खैर, ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेजन जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। अमेजन जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के और खतरनाक खतरनाक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे मौजूद हैं। तो फिर पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। ये रिवर उबलती हुई पानी की नदी है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। ये नदी अमेजन जंगल की ही तरह बेहद खतरनाक है, जो अमेजन जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। अमेजन वर्षावन कोई छोटा मोटा वर्षावन नहीं है, बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं बल्कि सदियों से रिसर्च कर रहे हैं।
अमेजन वर्षा वन में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान अमेजन जंगल में एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मेरिकोक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह अमेजन जंगल में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें मेरिकोक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मेरिकोक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किए, जिससे मेरिकोक्सी थोड़ा डर गया और वहां से थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मेरिकोक्सी झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी अपनी एक अलग बस्ती होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अमेजन जंगल कितना खूंखार है, उससे कहीं खूंखार उसमें रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, और यही अमेजन जंगल को इतना खतरनाक बनाते हैं। अमेजन जंगल में केवल पेड़ पौधे खतरनाक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के जीव जंतु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि अमेजन जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेजन जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेजन जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटोनोबा प्रजाति के सांप के जीवाश्म की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे अब तक का दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जाता रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे की बात से टाइटोनोबा का रिकॉर्ड खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट तक लंबे सांपों को अमेजन जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियाँ टाइटोनोबा की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि टाइटोनोबा प्रजाति के सांप आज भी अमेजन जंगलों में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेजन जंगल में ही रहते हैं, चाहे फिर वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटोनोबा। ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन अमेजन जंगल में सांप ही ऐसे जीव नहीं हैं जो खतरनाक हैं, बल्कि छोटी से छोटी दिखने वाली चींटियां भी अत्यधिक खूंखार हैं। ये चींटियां इतनी खूंखार इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बड़े जीवों से अपना बचाव करना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक भी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेजन जंगल में पाई जाने वाली चींटियाँ यदि किसी इंसान को काट लें तो उसे एक गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इन चींटियों को बुलेट आंट कहा जाता है। अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियाँ अगर किसी व्यक्ति को काट लें तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियाँ अत्यधिक जहरीली भी होती हैं, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। ये तो थी अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी लगती हैं और बहुत साधारण सी भी होती हैं। अगर वे हमें काट भी लें तो उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेजन के जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है? अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियां पाई जाती हैं। ये मकड़ी इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने बच्चों तक को मार देती हैं। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया है। अमेजन जंगल में इतनी बड़ी मकड़ियों के बारे में ये बात कितनी सच है, इस पर अभी स्पष्ट तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में इतने खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ तक इंसानों की पहुँच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेजन जंगल में ऐसे जीवन का पाया जाना तो ठीक है, लेकिन अमेजन जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये कि अमेजन जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है, और इसमें UFO देखे जाने की भी बातें कही जाती रही हैं। वैसे तो अमेजन जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए ये अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये पृथ्वीवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां गए किसी भी खोजकर्ता ने ऐसी किसी भी तरह की वस्तुओं को नहीं देखा है। हालांकि इन सब को लेकर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत कम ही जानते हैं।
हालांकि पिछले कुछ दशकों से इसके रिसर्च में काफी तेजी दिखाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेजन जंगल से और ऐसे कितने रहस्य बाहर निकलते हैं जिनसे अभी हम कोसों दूर हैं। तो ये थी अमेजन जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको इनमें से सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।